आज यूपी के सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे पीएम। वहां फिनो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़ और फतेहपुर को नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर को भी तोहफा मिलेगा। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी करेंगे शिरकत। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 1:15 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम। 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे पीएम। देश की ही है सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 5 साल में 64,180 करोड़ रुपए होंगे खर्च। स्वास्थ्य ढांचा होगा और मजबूत। अक्टूबर महीने में पीएम मोदी का यह तीसरा यूपी दौरा है। इससे पहले लखनऊ और कुशीनगर गए थे पीएम। सीएम योगी ने गोरखपुर में 142 करोड़ रुपए की लागत की 358 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। भदोही में सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे स्वीकृति पत्र। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। कहा पहले की सरकारों के लिए परिवार ही प्रदेश था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज यूपी दौरे पर पहुंचे। लखनऊ, सुल्तानपुर और अयोध्या जाने का है कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। आज शाम लौटेंगे दिल्ली। अमित शाह ने रविवार को IIT जम्मू के नए कैंपस का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। गृहमंत्री शाह ने प्रशासनिक विभागों के लिए बांटे नियुक्ति पत्र। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। गृहमंत्री से बोले जम्मू में शाह, जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हुआ। विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। गृहमंत्री शाह ने कहा, मैं 70 साल तक राज करने वाले 3 परिवारों से पूछता हूं कि आपने क्या दिया, इसका हिसाब लेकर आओ। जम्मू में गवर्नर हाउस में कई समुदायों के प्रतिनिधि मंडल से भी मिले अमित शाह। सदस्यों ने अपनी समस्याओं को उनसे रूबरू कराया। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वालों को LG मनोज सिन्हा ने दी चेतावनी। कहा, शांति सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। मकवाल बॉर्डर के दौरे पर पहुंचे अमित शाह। इलाके का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का भी हालचाल जाना। गृहमंत्री अमित शाह ने मकवाल में फॉरवर्ड एरिया में जवानों से की मुलाकात। मकवाल बॉर्डर पर गृहमंत्री अमित शाह ने की एक स्थानीय शख्स से मुलाकात। फोन नंबर लिया और अपना फोन नंबर भी उसके साथ साझा किया। CDS बिपिन रावत के बयान पर बोली महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के हालात से निपटने के लिए सरकार के पास दमन ही एकमात्र तरीका। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक होने का दावा खोखला। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के प्लान पर बोले गुलाम नबी आजाद, पहले परिसीमन और बाद में चुनाव कराने की गलती ना करके। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम अपनी मांगों पर आज भी कायम हैं, पहले राज्य का दर्जा बहाल हो और उसके बाद चुनाव हो। पटना में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। पिता लालू यादव से मिलने से रोकने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए तेज प्रताप। तेज प्रताप के धरने की खबर सुनने के बाद उनके पास पहुंचे लालू यादव। बेटे ने पिता लालू के चरण धोकर आशीर्वाद लिया। 3 साल बाद पटना पहुंचे थे लालू यादव। एयरपोर्ट पर पिता से नहीं मिल पाने से नाराज थे तेज प्रताप। तेज प्रताप ने कहा, मुझे अपने परिवार और जनता से है मतलब, कौन क्या कहता है इसकी नहीं है कोई परवाह। तेज प्रताप ने पिता लालू यादव को घर लिए जाने के से रोकने का आरोप लगाया। कहा, खुशी के मौके पर मेरी बेइज्जती की गई। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को पार्टी से निकलवाने की बात कही। कहा, जब तक पार्टी से निकाल नहीं देंगे तब तक RJD से कोई मतलब नहीं। एयरपोर्ट पर पिता की अगुवाई करने पहुंचे तेज प्रताप बाद में अपने साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया। पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव का भव्य स्वागत हुआ। RJD कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा। बिहार में कांग्रेस RJD का गठबंधन टूटने पर बोले लालू यादव के हारने के लिए देते कांग्रेस का साथ। आज लखनऊ में मीडिया से मुखातिब होंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, मोदी सरकार में बिक रही है सरकारी संपत्तियां। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका को ट्विटर वाड्रा। कहा, कांग्रेस ही अपनी 7 सीट बचा ले वही बड़ी उपलब्धि होगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कांग्रेस का विरोध कर सीएम ममता बनर्जी BJP को पहुंचा रही है फायदा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी में करार हुआ है, दिल्ली तुम्हारी और कोलकाता हमारा। कांग्रेस नेता P Chidambaram का दावा, गोवा में BJP से कांग्रेस की सीधी टक्कर। गोवा में कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं चिदम्बरम। कहा, आप और TMC का राज्य में वजूद नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा झटका। विधायक सचिन बिरला ने BJP का थामा दामन। चंडीगढ़ में रिची शियद समेत BJP के कई नेता अकाली दल में शामिल हुए। सुखबीर सिंह बादल ने स्वागत किया। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पंजाब के आम लोगों से जुड़े मुद्दों से जुड़ना होगा। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, किसी राज्य में पार्टी में ऐसी अराजकता नहीं देखी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थम नहीं रहा विवाद। जशपुर में पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से धक्का देकर हटाया। पवन अग्रवाल ने कहा, मैंने TS सिंहदेव को CM बनाने की बात कही थी जिसके बाद धक्का दिया गया मुझे। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ 14 से 29 नवंबर तक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। देश भर में पदयात्रा निकालेंगे कांग्रेस नेता।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, मोदी शासन के 7 साल में अल्पसंख्यकों के जीवन में वास्तविक बदलाव आया। अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में बोले मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सेक्युलरिज्म हमारी पार्टी की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पीएम मोदी का इटली और ब्रिटेन का दौरा, छह G20 और COP26 की बैठक में लेंगे हिस्सा। आज सेकंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 28 अक्टूबर तक चलेगी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अलास्का में भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक साथ किया योग, भारतीय योग ट्रेनर ने सिखाए 17 आसन। दूसरे सी ट्रायल के लिए रवाना हुआ विक्रांत, देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज है विक्रांत। विक्रांत ने अगस्त में सफलतापूर्वक 5 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की, अगले साल अगस्त में नौसेना में होगा शामिल। आज दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू फिल्मी हस्तियों को देंगे पुरस्कार। दिल्ली के विज्ञान भवन में रविवार को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का रिहर्सल हुआ। मेगा स्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा, सिनेमा में योगदान के लिए किया जाएगा सम्मानित। पंजाब के सीएम चन्नी ने आज बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। केरल के सीएम विजयनन ने तमिलनाडु से मुल्ला पेरियार डैम से पानी छोड़ने की मांग की सीएम स्टालिन को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री सुब्रानंद सोनोवाल का बयान, ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए माल की आवाजाही तेज करने की है योजना। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, बेहतर कनेक्टिविटी से असम का होगा विकास, लोगों के जीवन में होगा बदलाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, एकता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत। अभिनेत्री अनन्या पांडे आज तीसरी बार एनसीबी के सामने होंगे पेश, ड्रग्स चैट मामले में होगी पूछताछ। आर्यन खान मामले में नया मोड़, गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल पर बड़ा आरोप, एनसीबी ने खाली पेपर पर करवाए साइन। प्रभाकर सैल ने हलफनामा देकर लगाया आरोप, कहा गोसावी को 25 करोड़ की डील की बात करते सुना, गोसावी ने मुझे 50 लाख कैश कलेक्ट करने भेजा था। प्रभाकर सैल का आरोप, गोसावी को कहते सुना कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने हैं। प्रभाकर सैल के आरोपों पर एनसीबी का जवाब, प्रभाकर के सभी आरोपों को निराधार बताया। एनसीबी के डीडीजी अशोक मथुर जैन ने कहा, प्रभाकर कोर्ट में जवाब दे, सोशल मीडिया पर नहीं। क्रूज ड्रग्स केस में बॉडीगार्ड के खुलासे के बाद एनसीबी डायरेक्टर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, गलत तथ्यों पर एक्शन न लेने की गुहार लगाई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में फंसाने की साजिश की बात कही, कहा कुछ लोग फ्रेम किए गए आरोप पर लीगल एक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। गवाह के बयान पर बोले संजय राउत, एनसीबी के सादा कागज पर साइन करवाने की बात से हैरान हूं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, समीर वानखेड़े का मकसद महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना। सीएम उद्धव और गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल से मिलेंगे नवाब मलिक, समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की एसआईटी जांच की मांग करेंगे। नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, सत्य ही जीतेगा। बीजेपी नेता राम कदम ने गवाह के बयान पर उठाए सवाल, कहा 22 दिन तक क्यों चुप रहा प्रभाकर। राम कदम ने प्रभाकर और महाराष्ट्र सरकार में साठगांठ होने का आरोप लगाया, कहा समीर वानखेड़े को जेल भेजने की धमकी के बाद ही क्यों बोला प्रभाकर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, हमारी पार्टी समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है, नवाब मलिक समीर को बदनाम कर रही है। दिल्ली में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, पत्नी से पुलिस को फोन करवा कर किया सरेंडर। आरोपी ने अपनी ताई का मुंह खोलकर मारी थी गोली, मौके पर हुई थी मौत, चचेरी बहन को भी मारी थी 4 गोली। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन का प्रदर्शन, एसएचओ ने बर्खास्त करने की मांग की। यूपी के संभल में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, मुनादी कर 2 गैंगस्टर्स की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने 1.25 करोड़ की अवैध संपत्ति को गिरा दिया। गैंगस्टर शमशाद के खिलाफ 18 और शरीफ सलमान के खिलाफ 11 केस। अपराधियों के खिलाफ जारी है उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन, रामपुर में 6 वैरायटी अभियुक्त गिरफ्तार। चित्रकूट में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश जारी है, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बलिया पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, पिकअप से बिहार ले जा रहा था शराब। शाहजहांपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्कर शानू को किया गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स और गांजा बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने विजयनगर से 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए। नोएडा पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 9 किलो से ज्यादा का गांजा और गाड़ी बरामद। बदायूं पुलिस ने 4 घंटे के अंदर किडनैप किए गए बच्चे को किया बरामद, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वाराणसी में लंका पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। मैनपुरी में पुलिस की तत्परता से हुआ कमाल, 24 घंटे के अंदर 4 चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। झारखंड पुलिस के ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी, 5 तस्कर गिरफ्तार। इंदौर में चोरी का खुलासा, लड़कियों के कपड़े पहनकर चोरी करता था मिस्टर इंदौर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आरोपी अभिषेक पवार से पूछताछ में खुलासा, कर्ज उतारने के लिए करता था चोरी, पुलिस ने चोरी की 5 गाड़ियां बरामद की। तेलंगाना में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर हंगामा, मानसिक रूप से बीमार शख्स पर मूर्ति तोड़ने का आरोप। गुस्साए लोगों ने किया तोड़फोड़, पुलिस ने हंगामा करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नोएडा के सेक्टर 10 में सीट कवर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में खड़ी एक पिकअप वैन में अचानक लगी आग, धू कर जली गाड़ी। दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार रात हुई जोरदार बारिश, कई जगहों पर जल जमाव भी हुआ। गाजियाबाद और नोएडा में भी हुई मूसलाधार बारिश, ट्रैफिक पर पड़ा असर। हरियाणा के यमुनानगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। अमृतसर में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के फसल बर्बाद, किसानों के सीएम से मुआवजे की मांग। पंजाब में बारिश के चलते धान की फसल पर बुरा असर, लुधियाना में कई टन धान बर्बाद। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, केदारनाथ में हुई बर्फबारी। श्रद्धालु बर्फबारी के बीच बाबा केदार के दर्शन को उमड़े, इस बार उत्तराखंड में अक्टूबर में बम्पर बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, आपदा से प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों और मदद का ब्यौरा दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वायुसेना ने 49 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित निकाला, हेलीकॉप्टर से इनका रेस्क्यू किया गया। नैनीताल में लैंडस्लाइड वाली जगह पर पुनर्निर्माण का काम जारी, पुलिस भी कर रही है मदद। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर आई घरों के ऊपर नजर। यूपी के शाहजहांपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोगों का नाव के जरिए किया जा रहा है रेस्क्यू। दिल्ली बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए भेजी राहत सामग्री, ट्रकों में भरकर भेजा गया अनाज। देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ का पर्व, महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। दिल्ली में बारिश की वजह से महिलाओं को व्रत खोलने में हुई देरी, राजौरी गार्डन में महिलाओं ने चांद देखकर तोड़ा व्रत। बादल के चलते कई इलाकों में नहीं दिखा चांद, वीडियो कॉल के जरिए कुछ महिलाओं ने मोबाइल पर किया चांद का दीदार। मुंबई में भी धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ, महिलाओं ने अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। इंदौर के सेंट्रल जेल में मनाया गया करवा चौथ, जेल में आकर महिलाओं ने तोड़ा व्रत। अयोध्या में दीप महोत्सव की तैयारी तेज हुई, शहर के पूरे मंदिरों को सजाने संवारने के काम में तेजी आई। अयोध्या में राम की पैड़ी को खास तरह से सजाया जाएगा, इस बार 9 लाख दिए लगाए जाएंगे। अयोध्या में 125 क्विंटल अनाज से उकेरी गई श्री राम की आकृति, मंदिर मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया अनावरण। 60 कलाकारों ने अनाज से तैयार की विश्व की सबसे बड़ी कलाकृति, 24 घंटे में रिकॉर्ड समय में तैयार। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन, कलाकारों ने समा बांधा। नागपुर में इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, स्वामी रामदेव समेत कई धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं ने लिया हिस्सा। स्वामी रामदेव ने कहा, दुनिया में कई तरह के आतंकवाद, मजहबी, राजनीतिक, आर्थिक, मेडिकल, लेकिन धर्म तो एक ही होता है, मानवता का। मुंबई के आर्य कॉलोनी में तेंदुए ने एक शख्स पर किया हमला, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में पहला मेड इन इंडिया एयर डिसइंफेक्शन डिवाइस लॉन्च, कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी हुए शामिल। कोलकाता मेट्रो ने नॉन एसी डिब्बों को दी विदाई, डाउन टू लेन नामक प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। पल को यादगार बनाने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग, 1984 में शुरू हुई थी मेट्रो में नॉन एसी डिब्बों की शुरुआत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बिना नोटिस दिए मंदिर को ढाए जाने का विरोध, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। असम की संस्कृति को सहेजने के लिए बड़ी पहल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में किया नई इमारत का उद्घाटन। धर्मशाला में महिलाओं ने घरेलू हिंसा को लेकर किया जागरूकता अभियान, डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस मंथ का आयोजन। पेट्रोल डीजल महंगा होने से सब्जियों पर पड़ा इसका असर, दिल्ली की मंडियों में फल सब्जी महंगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में विकास के पोल खोलती तस्वीर आई सामने, सड़क नहीं होने से पैदल चलकर बच्चों के मिड डे मील का राशन ले जाते दिखे शिक्षक। कंधे पर राशन लेकर हर रोज 8 किलोमीटर पैदल जाते हैं टीचर, सरकार से गांव तक रोड बनाने की मांग की। राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुरू हुई मोटरसाइकिल रैली पहुंची वडोदरा, कच्छ के लखपत से 19 अक्टूबर को शुरू हुई थी रैली। ममता बनर्जी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को बताया जुमला, कहा सिर्फ 29 करोड़ को लगी दोनों डोज। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा सरकार पीट रही है ढोल, जनता हो रही है गुमराह। देश में कोरोना के 15,906 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 561 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 8,538 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 71 की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,410 नए मामले, 18 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना से 408 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, 24 घंटे में 531 मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 388 नए मामले, बीते 24 घंटे में 5 संक्रमितों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 400 नए केस, 4 संक्रमितों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 447 नए मरीज मिले, राज्य में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सिक्किम में कोरोना के 32 नए केस, राज्य में सिर्फ 200 एक्टिव मामले। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपए की आर्थिक मदद, योगी सरकार ने किया ऐलान। यूपी में जीका वायरस के दस्तक, कानपुर में पहला मामला सामने आया, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एयरफोर्स का एक जवान जीका वायरस से संक्रमित, संपर्क में आए 200 लोग आइसोलेट किए गए।
देश में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा होने पर जुटे लोग, मोदी मास्क पहनकर पीएम मोदी का किया धन्यवाद। मणिपुर में मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन, प्रशासन ने इस मौके पर मेगा ड्रॉप भी रखा, बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगाया। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पिछले साल कोरोना के चलते डेंगू के कम केसेस आए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज आंधी, कई जगहों पर पेड़ गिरे। तूफान के बाद कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड, एहतियातन एक सड़क को बंद किया गया। स्पेन के ला पाल्मा में करीब एक महीने बाद भी ज्वालामुखी से लावा निकलने जारी, अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा। लावा से 2,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान, सरकार ने प्रभावित लोगों की जल्द मदद का भरोसा दिया। सूडान में भीड़ का प्रदर्शन, कई सड़कों और पुलों को जाम किया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को खदेड़ा, जनरल और लोकतंत्र आंदोलन के समर्थकों में चल रहा है तनाव। स्पेन में बुल रन के दौरान 3 लोग घायल, एक सांड के फिसलने से मची भगदड़। सोनेगल में राजधानी दाकर में सड़कों पर उतरी महिलाएं, जलवायु परिवर्तन के बहस में अपनी भागीदारी की मांग की। अफगानिस्तान में बड़ा खाद्य संकट, कोरोना और सूखे की वजह से बड़ी परेशानी। इस साल कम बारिश से बिगड़े खाद्य सुरक्षा के हालात, मूलभूत जरूरतों के लिए भी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। सर्बिया में सरकार ने जारी किया कोरोना पास, रात 10 बजे के बाद इंडो इवेंट्स में शामिल होने के लिए किया लॉन्च। सरकार के फैसले की कई लोग कर रहे हैं निंदा और सख्त कदम उठाने की मांग। 6.5 की तीव्रता के भूकंप से हिला ताइवान और उसके कई इलाके, एक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त, किसी के मारे जाने की खबर नहीं। मेक्सिको में करीब 2,000 प्रवासियों ने निकाला मार्च, शहर से बाहर जाने की कोशिश। कई दिनों से पेपर बनने का इंतजार कर रहे थे प्रवासी, देर होने पर मार्च किया। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया, दोनों टीमें 5 साल बाद T20 में हुई थी आमने सामने। पाकिस्तान ने 29 साल बाद वर्ल्ड कप में भारत को हराया, इससे पहले 1992 में वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भारत हारा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 151 रन बनाए, पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में ही 152 रन बनाकर मैच जीत लिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी की, रिजवान ने 79 रन बनाए तो बाबर आजम ने 68 रन बनाकर नाबाद रहे। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की खराब शुरुआत, रोहित शर्मा 0 के, राहुल 3 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, 49 गेंदों में 57 रन बनाए। विराट ने T20 विश्व कप में हासिल की खास उपलब्धि, सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार आउट हुए कोहली, नाबाद रहने का रिकॉर्ड टूटा। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी और हरिफ रऊफ ने की अच्छी गेंदबाजी, अफरीदी ने 3 विकेट झटके, रऊफ को मिला 1 विकेट। हार के बाद कप्तान कोहली बोले, टूर्नामेंट में इस तरह की शुरुआत बिल्कुल नहीं चाहते थे, रणनीति पर ठीक से अमल नहीं किया। विराट कोहली ने कहा, जीत का श्रेय ओफ और पाकिस्तान की टीम को देना चाहिए जिन्होंने हमें मैच से बाहर किया। जीत के बाद शाहीन अफरीदी बोले, हम काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमने पहली बार वर्ल्ड कप में भारत को हराया। शाहीन अफरीदी ने कहा, बाबर और रिजवान ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो तारीफ के काबिल है। भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में अब तक 6 बार हो चुकी है भिड़ंत, भारत ने 5 मैच में पाकिस्तान को हराया है। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर मुकाबला जीतना होगा। हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान कंधे में लगी चोट, फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। श्रीलंका ने T20 विश्व कप में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया, 172 रन का लक्ष्य 7 गेंद बाकी रहते हासिल किया। चरित असलांका ने 80 रन की पारी खेली, भानुका राजपक्षा ने भी जड़ा अर्धशतक, असलांका और राजपक्षा में 86 रन की पार्टनरशिप। शाकिब अल हसन ने श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट लेकर रचा इतिहास, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में महिलाओं के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन, फुटबॉल में आगे बढ़ाने को मिलेगा प्रोत्साहन। T20 वर्ल्ड कप पर प्रीति जिंटा का ट्वीट ट्रेंडिंग में, कहा, मेरा दिल हमेशा ब्लू जर्सी के लिए धड़केगा। लद्दाख पुलिस का मैसेज सोशल मीडिया में वायरल, वीडियो संदेश में पर्यटकों से कहा, प्रकृति और धरती माता का करें सम्मान। पाकिस्तान के रावलपिंडी से आई तस्वीर, धनातन गोलियां चलाते बच्चे का वीडियो हुआ वायरल। अफगानिस्तान में गरीबी के चलते अपने बच्चों को जिंदा दफन करते नजर आए लोग, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। कार से खिड़की से निकलता हुआ दिखा एक तालिबानी शख्स, लोगों ने कहा, ऐसे लोग अफगानिस्तान में चला रही है सरकार। तालिबानी आतंकवादियों ने अफगान सेना के पूर्व अफसर की गला काटकर हत्या की, तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल। रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर छाया अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का पोस्टर, पुलिस वर्दी में दमदार दिख रहे हैं अक्षय कुमार। 5 नवंबर को रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, फिल्म के प्रमोशन में जुटी कटरीना कैफ, आराम फरमाते नजर आए अक्षय कुमार। करवा चौथ पर शुभकामना के साथ कंगना रनौत ने मजाक उड़ाने वालों को दी नसीहत, कहा, हमारे घर में प्यार का प्रतीक माना जाता है करवा चौथ। करवा चौथ पर रणवीर सिंह ने किया खुलासा, पत्नी दीपिका के लिए रखा करवा चौथ। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।